وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثمتم المسلمين صدق الله العظيم أما بات چل رہی تھی من إيمانكِ کی زندگی ایک مسلمان रियत के आईने में उसकी सही और सच्ची तस्वीर क्या है तो उसी में यह बात भी है कि एक सच्चा मुसलमान और एक सेहतमंद ईमान अच्छे अखलाक पे होता है, उसके अखलाक अच्छे होते हज अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस फरमाया करते थे के बार बार हमने अल्लाह के नबी की से ये बात सुनी इन नबिनारी अखलाक तुम में भला आदमी वो है और तुम में अच्छा आदमी वो है जिसके अखलाक बहुत अच्छे फहश गोई बद गोई रईस मिनल इस्लाम फ़ीशई लाभ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम में अच्छा मुसलमान वो है अहसन खे अखलाक अट अच्छे अखलाक नवाज़ भी अच्छी रोज़ा भी अच्छा जक़ात भी अच्छी लेकिन एक सच्चे मुसलमान का अखलाक भी अच्छी होते नमाज भी अच्छी होती जक़ात भी बढ़िया अदा करती रोज़े का भी बहुत अहतमाम होता लेकिन प्यारे नबी सली वम फरमाया करते थे कि इसका मखलूक के साथ भी बर्ताव बहुत अच्छा होता कि इसके अखलाक बहुत अच्छे हैं और क्यों ना हो एक सच्चा मुसलमान प्यारे नबी का सच्चा पैरोकार होता है और प्यारे नबी का तारफ ये कि नाफुल्क ना आप तो बहुत आला अखलात पर फाइज आप तो बहुत ही आला अखलात पर फाइज एक सच्चा मुसलमान तो तभी उके लाएगा ना जब वो सच्चे नबी की जिंदगी की पैरवी करेगा आपके अच्छे और बढ़िया अखलाक अपनाएगा इसलिए आप सलात वरमाया करते थे कि तुम में सबसे मेरा महबूब वो है और कल की में जिसकी नशिश मेरे सबसे ज्यादा करीब होगी वो होगा जिसकी अखलाक सबसे अच्छे होंगे अहब को ख़ुलुकान। तुम में मेरा सबसे प्यारा वो है यानी अल्लाह के नबी को वो मुसलमान बहुत अच्छा लगता है और उसकी नशिश कल में के में अल्लाह के नबी के बहुत करीब होगी जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो अहब्ब को मिल अफसन को वो अक्रकुम मनी मजलिसम अफसनों को वूक इसकी नशिश इसका उठना बैठना मेरे करीब होगा जिसके अखलाक अच्छे और फिर आब्लाम के साथ ये भी फरमाया करते थे मेरा ना पसंदीदा और मुझसे दूर और मुझसे दूर कौन होगा जो बहुत बातों नहीं हो बातें बनाता होगा और बातों में तकल्लुफात करता होगा और तबकबर करता होगा तकबर करो कि मुझसे बहुत दूर हो इन कमजोरियों के साथ वो मेरा पसंदीदा नहीं है इसलिए आप सलाते फरमाया करते थे ये इतना बड़ा अमन है कि एक आदमी जिंदगी का हर दिन रोजे से गुजार दे और जिंदगी की हर रात तहजद में गुजारते और पूरी रात गुजारते और पूरी जिंदगी ऐसा कर ले जो मरतबा और मकाम वैसे मिलेगा अच्छे अखलाक वाला भी उसी मरतबे में फायद होगा अच्छे अखलाक से बस वक्त आदमी अपने को माल की कुर्बानी देनी पड़ती और बस औकात अपनी जात की कुर्बानी देनी पड़ती नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ती सच्चाई से काम लेना दयानत से काम लेना वक्त पर वादा पूरा कर देना अपने मददे की पासदारी करना बस औकात नजर आता है इस्तेमाल में नुकसान हो जाएगा और बस बसौकात माफ कर देना दरगुजर कर देना अच्छा न करने वाले के साथ भी अच्छा करना तो इसके लिए नफ्स तो मनाना पड़ता है तबीयत को आमादा करना पड़ता है मुशक्क़त है तभी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाया करते थे कि एक सच्चा मुसलमान अच्छे अखलाक वाला ही हुआ करता के अखलाक अच्छे हो और यही उसकी अच्छाई है यही उसके कमाल ईमान है कि उसके अखलाक अच्छे अखरार है तैरार अकबर अखन को कमाल ईमान अच्छे अखलाक के साथ अच्छे अखलाक वाला रोजेदार गुज़ार, उसका मरतबा पारिया करता अखलाक अच्छे, एक सबी फरमाना हजूरअली के पास बैठे हुए थे और ऐसे मुतवजे और सुकून से थे जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे माँ तय कर लें कर ले हमें से कोई बातचीत नहीं कर हम और यू और इतने सुकून से कि अगर जैसे कि हमारे पे परिंदे बैठे तो लोगों ने कहा यार रसूल मन अहब इबादा अल्लाह के यहां लोगों में कौन ज्यादा प्यारा है और कौन अल्लाह को ज्यादा महबूब है आपने फरमाया को अखलाक जिसके अखलाक अच्छे जिसके अखलाक अच्छे अल्लाह के नबी अबू जर से कहने लगे अला आदल अला माला हम तुम्हें दो अच्छी खूबियां बताएं उम अगर अगरचे वो पुश्त पे बहुत हल्की हैं असकलु फिल मीज़ान गई रही बाप लेकिन मीज़ान के तराजू में वो बहुत भारी हैं यानी उसको अपनाना आसान है लेकिन मिज़ान के तराज है बहुत भारी हैं कला बना या रसोल्ला अरे फरमाने के बनेगा यार रसुल्ला ज़रूर बताए आप फरमाने के अरे का उस्तम अच्छे अखलाक और ज्यादा खामोश रहना फिर अल्लाह के नबी कसम खा के फरमाया लगे ये बूबियाँ हैं कि इस जैसी खूबसूरती इंसान के लिए नहीं हो सकती जो खूबसूरती इन दो फूफियों से इंसान में हो सकती है और किसी चीज से ऐसी खूबसूरती आदमी में नहीं आ सकती आदमी की जिंदगी में कशिश ये वो दो खूबियां हैं आदमी में आ जाए तो उसका हुसन बढ़ जाता है उसकी कशिश बढ़ जाती है उसकी शख्सियत बड़ी हो जाती कम तो बोलना अच्छे अखलात क्यामत का दिन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नक्शा खींचा नेकियों का पलरा हवा में उड़ रहा है गुनाओं की और खताओं का पलरा भारी हो रहा है इतने में एक पर्चा आता है पर नेकियों के पलरे में आता है वो एकदम ऐसा भारी हो जाता है कि खताओं का पलरा हवा में उड़ने लगता पूछा जाता यार रसूला कौन सा ऐसा मत फरमा अस्त करो इन फिल्मीजान अलखलकुलस मीजान के तराजों में जो अमल सबसे ज्यादा भारी है वो अच्छे अखलाक अल्लाह तला नसीब फरमा दे अल्लाह तला नसीफ फरमा दे यकीन जानिए अच्छे अखलाक वाला जिस मजमे में रहता है घर में बाहर में जहाँ अकट रहता है जहां मजमुआ होता है जहाँ कुछ लोग रह रहे होते हैं जहाँ रहता है उसकी शख्सियत पुरकशिश होती महबूब होती पसंदीदा होती है हो, दीदा हो, दीदा हो।, हो। अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया ना मिट्टी अगर अपनी जगह पे रहे तो बहुत कीमती हो जाती है इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती लेकिन अगर यही मिट्टी गर्भ बन जाए और आंखों में पड़े लोग झाड़ देते हैं, लोग झाड़ देते तो मिट्टी से बना इंसान अगर आज भी करेगा ना बन, तो बहुत कीमती है तकबर करेगा लोगों की नजरों से गिर जाएगा ये मिट्टी की खूबी है एक बीज डालेंगे कई दाने वापस करेगी ये मिट्टी से बने अच्छे इंसान एक ही खूबी है कि लेता कम है देता ज्यादा है मांगता कम है मेरा हक मेरा हक इसको ज्यादा फिक्र होती है कि मैं हुकूक अदा कैसे करूं ये मिट्टी ही की खूबी है कि कोई चीज गिर जाए तो छुपा लेती जजब कर लेती है ये मिट्टी से बने अच्छे इंसान ही की खूबी है किसी कमजोरी देख ले पर्दा डाल देता सतरपोशी करता है। दुनिया में ऐसा करेगा कल के में अल्लाह ऐसा करेंगे इसके साथ ये मिट्टी की खूबी है तो मिट्टी से बना अच्छा इंसान उसमें यही अच्छे अखलाक होते हैं अखलाक पहले रसूल वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए कहने लगे यार रसूल मैं अच्छे अखलाक की जिंदगी इख्तियार करना चाहता आपने फरमाया अच्छे अखलाक में सबसे कम दर्जा अखलाक वो है इंसाफ आला दर्जा तो बहुत है एहसाम इस तो अला दर्जा कम तो अज कम दर्ज़ अखलाक का क्या है अदल इंसाफ क्योंकि अगर इस सतह पर भी नहीं है तो फिर जालेमै अगर अदल भी नहीं है तो फिर जालेमै और अदल का मेयार क्या है फर्मा अहिबा से मतहाबोलिन तो तक अदल अन्ना यह है अदल कि जो तुम अपने लिए पसंद ना करो वही अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो और जो तुम तो अपनी चाह लो वही अपने भाई के लिए भी चालो यह है अदंत मैं नहीं चाहता कोई मेरे पीठ पीछे मेरे तस्करे बुरे करे तो कोई मुसलमान भी तो नहीं चाहता कोई भाई भी तो नहीं चाहता मैं नहीं चाहता मैं किसी की टो तो में रहूं उसके छुपे राजों को तलाश करता रहो ढूंढता रहो तो दूसरा भी तो नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कोई मेरे बारे में बदगुमानी करे तो दूसरा भी तो नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कोई मेरे से वादा करे और फिर पूरा ना करे मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ मददा करे और फिर उसकी पासदारी ना करे मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ झूठ बोले तो भाई दूसरा भी तो नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कोई मेरी इज्जत नफ्स मजरूह करे दूसरा भी तो नहीं चाहता तो जो तुम नहीं चाहते वो दूसरे भी नहीं चाहते तो अदल इसी का नाम है कि जो तुम अपने भी नहीं चाहते हैं वो दूसरे के लिए भी अख्तियार में करो मेरा नौकर है मेरा मुलाजिम है मेरा माता है मैं उसकी इज्जत नस्मजरू करूं तो मैं तो नहीं चाहता मेरी कोई इज्जत नजरूह तो वो भी नहीं चाहता तो ये पूरी खूबसूरत जिंदगी है मुसलमान माशरे की कि हर एक अच्छा मुसलमान अच्छे अखलाक पर खड़ा हो कब कम अखलाक इतना तो हो कि इंसाफ हो मैं नहीं चाहता कोई मेरी तकलीफ का बायस बने तो तुम बिना बनो मैं नहीं चाहता कोई मेरे लिए कांटा बने तुम्हारी जिंदगी में दूसरा को ये न चुभे ना मैं नहीं चाहता कोई अपनी जबात पे मेरे लिए कांटा रखे जबात के तंग मारे तो दूसरा भी तो नहीं चाहता मैं भी चाहता किसी की जबान के अंदर कड़वाहट हो तो दूसरा भी नहीं चाहता अल्लाह हमें अखलाक न सही फरमा हाँ मेरे मेरा जीजो, अच्छे अखलाक के साथ फराइज और वाजबाक अल्लाह के हकूक अदा करने से भी इंशाला बहुत बड़ा मरतबा मिलेगा और अखलाकी कमजोरियों की वजह से बहुत बड़ी नीतियों का ढेर भी पद अखलाकियों की वजह से जया हो जाएगा बड़ी बड़ी निकिया भी जया हो जाएगा अखलाक अच्छे हो अच्छे अखलाक आदमी चोरी पे माफी मांग लेता है शराब पे माफी मांग लेता है हाँ मखसूस गुना है उन पे माफी मांग लेता है लेकिन अखलात की जो कमजोरियां हैं जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है मैं उस पर माफी नहीं मांगता अल्लाह तला से बदों से भी नहीं मांगता ये ऐसा संगीन जुर्म है कि अल्लाह भी नहीं माफ करते जब तक के बद्दा माफ नहीं कर संगीन गुना है ये तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ किया करते थे और अपनी उम्मत को यह दुआ सिखाई भी कि जब तुम आईना देखो ना तो यूं कहा करो अल्लाहु अहसन ब खलकी फलूकी अल्लाह आपने मेरी चेहरा कितना खूबसूरत बनाया मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना देखल आपने मेरा हल्क जिसम अच्छा बनाया है चेहरा अच्छा बनाया है फसन फलूकी मेरे अखलात भी अच्छे कर अल्लाह से आदमी मांगता भी रहे कोशिश भी करता रहे और अल्लाह करीम से कमियों पे माफी मांगता रहे अल्लाह करीम सीधा से उम्मीद है इनशाला कल के में अच्छे लोगों ही के साथ असर फरमाएंगे कोशिश तो की है ना अपने से तो कोशिश की बड़े से बड़े नेक आदमी से भी बस औकात दूसरों को तकलीफ पहुंच जाती है। लेकिन सुबह हुआ अज सदीक अकबर बनु बनूसलमा का एक शख्स है बात सख्त कह दी उन्हें बुरी लगी फौर कह रहा भाई मुझे माफ कर दो भाई मुझसे गलती हो गई कौन इतना बड़ा आदमी माफी मांग रहा है क्या मैं तो नहीं बोलूंगा मैं तो नहीं बोलूँगा अज सदी फरमान लगे रजी भाई बोल दे वरना में तुझे तेरी बात अल्लाह के नबी से कह दूंगा सलमा के लोग आए कहने लगे अजीब बात है कहा भी खुद है शिकायत भी खुद लगाएगा वो आदमी बड़ा समझदार था कहना जानते हो ये हरत सिद्दीक हैं अगर अल्लाह के ये नाराज़ हो गए तो अल्लाह के नबी नाराज़ हो जाएंगे अल्लाह के नाराज़ हो जाएंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे अल्लाह जल्लाशानो नाराज़ हो जाएंगे अब सिद्दीक बहुत सलाम की खदमत में गए यार्ला मैंने इसे कह दिया है अब मैं ऐसे कह रहा हूँ तुम भी मुझे यही कह दो ताकि बराबरी हो जाए अल्लाह के आप मुआज़ा ना हो अ सला तो सरमा उस वनमा के शख्स से कहा तुम कहो तो नहीं लेकिन यूं कह दो अल्लाह तुझे माफ कर अल्लाह अल्लाह तुझे माफ कर तो इंसान है पूजनी तो घरों में भी हो जाती है आदमी इकट्ठा रहता है किसी को तकलीफ पहुंच जाती है लेकिन अच्छा इंसान जल्दी अपनी गलती का इकरार कर लेता है ये अच्छा अल्लाह को यह पसंद है चीज़ अल्लाह को पसंद है उम्मत के बहुत बड़े आदमी बल्कि इस उम्मत के सबसे बड़े आदमी ईमान इस्लाम के लिहाज से इस उम्मत की सबसे बड़ी शख्सियत है दो हैं अः वो बकर रजी अल्लाह उमर रजी अल्लाह उतर कुछ बात हो गई आपस उमर रजी अल्लाह उतर नाराज़ हो अब नाराज हो गए घर चल दिए इधर हजरत से दी कि अकबर रजी अल्लाह पीछे पीछे पे माफ कर दो ना माफ़ कर दो घर पहुंच गए हजरत उमर रजी अल्लाह ने अंदर चले गए किवाड़ बंद कर दिया नाराजगी में अब हजरत अबूबकर रजी अल्लाह सीधे हजू सलाम की खिदमत में कहा यार अल्लाह मैंने कोई सख्त बात कह दी उमर को बुरी लगी नाराज हो गए हैं आप मेरी सिफारिश करें ना कि उम्र मुझे माफ कर दो इधर अत उमर रजी अल्लाह उतन घर में बैठे ठंडे हुए फौरन ख्याल आया कि वो बकर रजी अल्लाह रजियाल्ल नाराज़ होगा तो अल्लाह के नबी महसूस करें दौड़े और सीधे हजरत सदीक अकबर के घर पहुंचे रजी रजियाल्ल घर में नहीं है समझ गया अली के पास और जैसे ही हुजूर के पास पहुंचे तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह रजील्लाटनों में बैठ कर फरमाना या रसोल्ला आप इन्हें कह देना मुझे माफ़ कर उधर उमर फरमाना या रसोल्ला आप हजरत सिद्दीक से कहें मुझे माफ़ कर सुबह तो दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे यह है ईमान यह है ईमान की जिंदगी कमियां तो हो जाएंगी साथ जबात भी फिसल सकती है ऊंच नीच भी हो सकती है आदमी के अंदर ये सारी चीजें अल्लाह ने रखी हैं, तबीयत के खिलाफ कोई चीज पेश आ जाए तो बस औकात उसकी नागवारी सख्त पेश आती है लेकिन उससे ऐतमान ईमान माफी के लिए खड़ा कर देता और सामने वाला भी अगर ईमान वादा हो तो वो भी माफ करने में देर नहीं करता वो भी माफ करने में देर नहीं करता ये है ईमान बात तो अल्लाह ताला हमें अच्छा ईमान दे दे अच्छे अखलाक दे दे बढ़िया अखलाक दे दे अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए अल्लाह कुल्लो कुल्लो अल्लामदुल्लो अल्ला اللهم اعنا على ذكرك وشكرك شكري كويس اللهم انا على على وشكرك كويس شكري